हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं जोन इंडियन नेवी अग्निवीर नेवी सोलर्स एप्लीकेशन 0/2024 बेच का फॉर्म कैसे भरेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके फॉर्म में जो भी गलती होने की संभावना है वो संभावनाएं आपको बिल्कुल यहां पर देने पड़ जाएगी, ठीक है। तो आपको अप्लाई करने से पहले वीडियो जरूर देख लेना है ताकि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसीज आपको यहाँ पर जारी की गई है बैच 02/2024 के लिए, जिसमें SSR और यहाँ पर MR दोनों की यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आपको 12वीं पास भी वैकेंसी है, डिप्लोमा ITI वाले कैंडिडेट के लिए भी है, ठीक है। तो 12वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSR पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है यहाँ पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर SSR की किसी भी वैकेंसी की पुरानी वैकेंसी में आप अप्लाई कर चुके हैं तो डायरेक्टली आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और कैप्चर कोड को यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है। पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डिटेल्स मांगी जा रही है, तो अपनी ईमेल आईडी आपको डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, आपका नेम डालना है, फुल नेम, और नेशनलिटी आपको यहाँ पर इंडियन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कैप्चर कोड यहाँ पर लिखा है तो इसको यहाँ पर एंटर करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको रिफ्रेश एंड की चेंज कर सकते हैं, और इसके बाद आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना, चेकआउट कर लेना, क्योंकि इसमें बाद में आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर ओके करेंगे, अदरवाइज आपको कैंसिल करके बिल्कुल सही इंटरेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, इस तरह से आपको मैसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि आपका जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है वेरीफाई करना होगा अपनी ईमेल आईडी को, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए अपना जो जीमेल है वो आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है, तो मैं एक जीमेल अकाउंट आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ और आपको यहाँ पर लॉग इन कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे आप जीमेल ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर sport.in की नाम से वेलकम टू अग्निवीर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसको आपको मैसेज को ओपन करेंगे और अकाउंट को यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए क्लिक हियर टू कन्फर्म ईमेल का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको मैसेज यहाँ पर मिल जाएगा कि आपका जो है वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा, इसके लिए कैप्चर कोड को यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद आपको जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल पर 6 अंकों का OTP आया है, उस OTP को यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पर बनाना होगा, पासवर्ड में आपको यूज करना है यहाँ पर देख सकते हैं इन अक्षरों का, आपको यहाँ पर एटलीस्ट 1 स्पेशल करेक्टर का यूज करना है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर स्पेशल करेक्टर ये वाले हैं, इनमें से एक का यूज करना है, ठीक है। और एक कैपिटल लेटर यानी कि आपको बड़े एक बड़ा अक्षर आपको ABCD का बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक नंबरिंग का यूज करना है और उसका आपको यहाँ पर पासवर्ड आपको यहाँ पर नंबरिंग रखेंगे 8 से 20 अंकों का आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सजेशन दूंगा, पहला अक्षर आपको यहाँ पर बड़ा लिखना है, ठीक है, बड़ी ABCD का। उसके बाद आपको छोटे अक्षरों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर @ स्पेशल करेक्टर होते हैं ये वाला, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया है, इनमें से एक आपको यहाँ पर यूज करना है। ये एक आपको यहाँ पर लिखने के बाद आपको नंबरिंग लिखेंगे 1, 2, 3 जो भी लिखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर कम से कम 8 से लेकर 20 के बीच में आपको बनाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चर कोड लिखा है इसको यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपने जो पासवर्ड बनाया था पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद जो कैप्चर कोड लिखा है इस कैप्चर कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल है यानी कि आपका जो स्टेट है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पर स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जो कि आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है।
यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद कोई भी अदर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दिए वाली कैंडिडेट हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, कि 2003 से लेकर 2007 के बीच में की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक किया टू एज डिटेल्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके सामने इस तरह से। तो अपनी जो डेट है आपको यहाँ पर किसके लिए, जो वाले कैंडिडेट जनरल है, एनसीसी सपोर्ट है, तो यहाँ पर आपको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको चेकआउट कर सकते हैं। आई अंडरस्टूड क्लिक कर लेना है। इनमें से आप यहाँ पर कोई भी एक कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पर इसको अनटिक ही रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर डालना है, मिडिल नेम यहाँ पर डाल देंगे, लास्ट नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। यदि आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं है तो आपको फर्स्ट नेम में ही आपका पूरा नेम यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद आपके पेरेंट्स का नेम आपको यहाँ पर इंटर करना है, गार्जियन है तो आप गार्जियन का नेम यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी जेंडर है, मेल फीमेल, यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपके शरीर में कोई भी मार्क है तो उसकी एंट्री करेंगे। अदरवाइज आपको शरीर में कोई भी मार्क नहीं है तो नो मार्क की एंट्री यहाँ पर करेंगे। सेकंड मार्क में भी आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे उस मार्क का नेम लिख सकते हैं। इसके बाद मेरिट स्टेटस में अमेरिड है, अनमेरिड है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको फोटो अपलोड करना होगा। ठीक है, तो फोटो का यहाँ पर दे सकते हैं, शायद आपको यहाँ पर 100 के बीच ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। इसी तरह से सिग्नेचर का शायद 50 के बीच ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको यहाँ पर डोमिसाइल प्रूफ यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जिसका साइज 300 के बीच ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जेपीजी फॉर्मेट भी अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर को क्लिक करना है, तो आपका फोटो साइन सिग्नेचर मूल निवास यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी, तो इसमें आपके जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर इंटर करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर केवल इसमें 10 कंपलसरी यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर जैसे आपको कंप्लीटेड है या फिर करंट परस्यूइंग है, ठीक है, तो परस्यूइंग वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट जैसे कि यहाँ पर परस्यूइंग वाले अप्लाई सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आपको इसमें जो डिटेल्स है 10वीं की मार्कशीट ड्यूरिंग सेकंड एग्जाम, ठीक है, सेकंड एग्जाम आपको यहाँ पर स्टेज सेकंड होगा, उसमें आपको यहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नहीं है तो आपको यदि कंप्लीट है तो आप यहाँ पर कंप्लीटेड वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और बारे में आपको यहाँ पर कौन सी है, इनमें से दो है, नहीं है, या फिर बारे की डिटेल्स नहीं देना चाहते तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको मैसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर आईटीआई की डिटेल्स आपको इससे मांगी गई है। ठीक है, तो आईटीआई इसमें मैंडेटरी है। ठीक है, दो टू इयर्स का आपके पास आईटीआई या नहीं है, जैसे हम यहाँ पर नो वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यदि आपका डिप्लोमा है आपको यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि यस वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो डिप्लोमा की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी, जिसके आपको स्ट्रीम कौन सी है इनमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज कितनी बनी है, सर्टिफिकेट नंबर, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पर आईटीआई में यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपकी स्ट्रीम कौन से ट्रेड से अपने पास किया है वो सेलेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर परसेंटेज डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर अपलोड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पर जो बारहवीं की कंप्लीटेड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसी के साथ आपको यहाँ पर डिटेल्स ओपन नहीं होती है। ठीक है, तो केवल आपको यहाँ पर आईटीआई या फिर डिप्लोमा की जानकारी ही आपको यहाँ पर देने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अदरवाइज आपको दोनों को आईटीआई डिप्लोमा नहीं है तो नो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर दे सकते हैं जो एसएसआर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपको यहाँ पर बारहवीं पास और या फिर डिप्लोमा या फिर आईटीआई तीनों में से एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एसएसआर की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में एसएसआर की यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पर जो बारहवीं क्वालिफिकेशन स्टेटस है इसमें आपको परस्यूइंग या फिर कंप्लीटेड यहाँ पर सेलेक्ट करना अनिवार्य रहेगा, तभी आप एसएसआर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एसएसआर, ठीक है, तो हम इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यस वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्पॉन्सर कैंडिडेट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर यस वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। स्पॉन्सर टाइप कौन सी इनमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, स्पॉन्सर टाइप है, ठीक है, तो उसके बाद आपको जो स्पॉन्सर सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको अपलोड करना होगा, अदरवाइज आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन डिटेल्स आपको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है, और डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पर एमआर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यस वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो एमआर की जो ब्रांचेस प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर डालने की ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि एसएसआर में ये ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, ब्रांच प्रेफरेंस आपको यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी जो भी चीफ जो भी ब्रांच प्रेफरेंस आपको यहाँ पर लेना चाहते हैं वो यहाँ से
आपको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी नहीं लेना चाहते नो और नो प्रेफरेंस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको स्पॉन्सर्ड वाले जो कैंडिडेट हैं वही डिटेल्स आपको मांगे जाइए, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। एनसीसी कैंडिडेट हैं तो आप यस वाला आपको ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। एनसीसी की डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी होगी, जैसे कि आपको यहाँ पर एनसीसी विंग, ठीक है, इनमें आर्मी नेवी एयरफोर्स इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेट किस प्रकार का यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एनसीसी सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अपलोड करना होगा, ठीक है। एनसीसी डायरेक्टरेट स्टेट कौन सा है इनमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और इसके बाद एनसीसी डायरेक्टरेट सिटी कौन सी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करेंगे, एनसीसी डायरेक्टरेट यूनिट कौन सी है यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको यूनिट आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आरडी डेस्ट, ठीक है, इनमें आपको यहाँ पर रिपब्लिक डे में आपको यहाँ पर परेड में शामिल हुए हैं, ठीक है, तो यस वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आरडी का जो परेड का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है, नहीं है तो नो ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ आपको स्विमिंग आती है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर यस वाला यस या नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो हमारे पास एनसीसी सर्टिफिकेट भी नहीं है तो हम नो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पर जो एमआर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बाकी के डिटेल्स आपको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर से एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपके सिलेक्ट एसएसआर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है इसलिए हम यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, इसके लिए आपके ब्राउजर में कैमरा ऑन का अलाउ का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके जो कैमरे का जो परमिशन है अलाउ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दे सकते हैं कैमरा का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑन का, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है। आपको यहाँ पर दे सकते हैं हमारा बद्दा सा जो चेहरा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो इसको यहाँ पर कैप्चर करना होगा। कैप्चर करने के लिए क्लिक टू फोटो वन कैप्चर, ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है एग्जाम्पल के तौर पर। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको कैप्चर टू, कैप्चर थ्री, कैप्चर फोर, आपको इस तरह से चारों कैप्चर आपको यहाँ पर एक एक करके आपको कर लेना है। सभी कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको मैसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपका जो फोटो है, इमेज है, कैप्चर हो चुका है, फिल कम्युनिकेशन डिटेल्स, ठीक है, तो आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर डायरेक्टली इसमें आपको क्लिक करना है, क्योंकि नीचे कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें आपको आपका जो एड्रेस है आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। लेन वन में आपको यहाँ पर आपका गांव का नेम, पोस्ट का नेम यहाँ पर डालेंगे, आपकी जो तहसील है उसका नेम आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, पिन कोड। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट का नेम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आपका ब्लॉक है वो यहाँ पर डाल सकते हैं अदरवाइज खाली छोड़ेंगे, आपका रेलवे स्टेशन आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है, आपके एरिया का पिन कोड यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर टिक मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, दोनों एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे लास्ट में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद से एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपको यहाँ पर डालना होगा आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो डिटेल्स आपको यहाँ पर मांगी जा रही है वो आपको डिटेल्स आपको इंटर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो डिटेल्स हैं 12वीं की डिटेल्स आपसे यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्रेंड्स 10th की डिटेल्स आपको यहाँ पर मांगी गई है, तो इंग्लिश में आपको यहाँ पर टोटल मार्क में पूर्णांक कितने का यहाँ पर डालना है, ऑप्टेन में आपको कितने अंक मिले हैं, ठीक है। ऐसे लैंग्वेज आपकी यहाँ पर कौन सी है, ठीक है, लैंग्वेज आपको यहाँ पर हिंदी हो गई, ठीक है, तो लैंग्वेज आपके यहाँ पर हिंदी में कितने नंबर आए हैं, कितने का पूर्णांक था, कितने नंबर आए हैं, ऑप्टेन मार्क में आपको यहाँ पर इंटर करना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर एक एक करके आपको यहाँ पर सभी की जानकारी आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है मार्क, ठीक है, टोटल मार्क आपको यहाँ पर आ जाएंगे और परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका जो सीरियल नंबर है 10th की मार्कशीट का वो आपको यहाँ पर डाल देना है, सीरियल नंबर आपको नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बोर्ड का नेम यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन से बोर्ड से आपने यहाँ पर पास किया है, ठीक है, तो बोर्ड का नेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी जो स्कूल है, स्कूल का नेम यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, तो आपके स्कूल का जो है लोकेशन, ठीक है, लोकेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से आपने पास किया है वो स्टेट का नेम आपको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट कंडक्ट 10th एग्जाम, ठीक है, आपका स्टेट है, कौन से राज्य से आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो स्कूल इंस्टीट्यूट यानी स्कूल का नेम आपको डाल देना है। इसके बाद 10th की मार्कशीट यहाँ से अपलोड करेंगे, केवल PDF रूप में आपको अपलोड करना है, 300 KB कम इसका साइज होना चाहिए। तो आपकी 10th की डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं। इसके बाद 12वीं की डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर इंग्लिश का आपको यहाँ पर डालना है, मैंने सेम तरीके से आपको बताया था उसी सेम तरीके से अपने जो सब्जेक्ट है वो आपको एंटर कर लेना है। ध्यान रखना है कि जो इसमें आपको यहाँ पर इस मार्क का निशान दिखाई दे रहा है
ठीक है, स्टार मार्क है वो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का मार्क आप डालना अनिवार्य है, बाकी की डिटेल्स आप चाहो तो खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर नेशनल स्कूल का नाम, उसी तरह से आपको यहाँ पर बाकी की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर बोर्ड और एग्जाम आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बाकी का जो सेम तरीका आपको यहाँ पर दिया गया है, मार्कशीट भी आपको इस तरह से अपलोड करेंगे और इसके बाद सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स भी, 12 की डिटेल्स भी यहाँ पर सेव हो चुके। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर एग्जाम कौन से स्टेट में यहाँ पर लेना चाहते हैं, अपना स्टेट का नेम, राज्य का नेम यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सिटी कौन सी लेना चाहते हैं, दो ऑप्शन है, इनमें से आपको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रेफरेंस टू में अभी भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अपने स्टेट का नेम, और इसके बाद सेकेंड में कौन सा लेना चाहते हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, सेंटर थ्री आपको यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर सिटी का नेम भी आपको सेम तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल दो ही ऑप्शन, आपको सिटी दो ही आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको अदर स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपका सिटी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डिटेल सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको फीस डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, पेमेंट आपको करना होगा, कोई भी आपको पेमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और पेमेंट करने से पहले आपकी एजुकेशन डिटेल्स, पोस्ट सिलेक्शन डिटेल्स, या फिर आपको यहाँ पर MR पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर वाले यहाँ पर क्लिक करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अपडेट करेंगे तो ऑप्शन आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद पेमेंट ऑप्शन आएगा, आपको डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ATM कार्ड की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यदि आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर पे वाला ऑप्शन है, इसमें क्लिक करके आपको यहाँ पर नेट बैंक से कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से बैंकिंग है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर बैंक है तो यहाँ पर आपको सर्च कर सकते हैं और नए बैंक लॉग इन करके कर सकते हैं। UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, और QR कोड से भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट वाले QR कोड यहाँ पर भीम UPI वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में एक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भीम UPI का ऑप्शन आपको QR कोड देखने को मिल जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका जो फॉर्म का प्रिंट आउट है आपके सामने देखने को मिल जाएगा, वहां से प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नेवी जो SSR का पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है, कोई भी समझ में नहीं आए हैं, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, लेकिन फॉर्म में गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।